मुद मंगल में सन समाज धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवी सद्गुरु कबीर की दो साखियां और उस पर कुछ निवेदन। मरू मरू तो क्या करे, मेरी मरे बलाए, मरना था सो मर गया, अब को मरने जाए। मरिए तो मर जाइए, छूट परे जंजार, ऐसा मरना क्यों मरे दिन में सौ सौ बार। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि मरो मरो तो क्या करे, मेरी मरे बला है। हर आदमी को हर समय मौत का भय घेरे रहता है। जीवन में आदमी को किसी बात का सबसे ज्यादा डर है तो मौत का डर है। और मौत आना अवश्यंभावी है, कोई ऐसा उपाय नहीं है कि शरीर की मौत ना हो। प्रकृति का नियम सबके लिए एक बराबर, किसी के लिए यहां पर कोई पक्षपात नहीं, कोई मुलाहिजा नहीं। शरीर तो सबका छूटेगा छूटेगा, फिर भय किस लिए? भय करें तो शरीर छूटेगा, न करें तो शरीर छूटेगा। जो काम आपको हमको करना है, हम लोग वह काम करें, निर्भय होकर के करें। इतना जरूर रखें ध्यान में कि जो काम हम कर रहे हैं वह काम दूसरों के लिए दुखदायक और पीड़ादायक ना हो, बस। और साथ साथ हमारे लिए भी पीड़ादायक ना हो, मन में पश्चाताप ना हो। कौन काम बढ़िया काम है? वैसे आप खेती, नौकरी, व्यापार ये जो करते हैं ये तो जीवन निर्वाह के साधन है। आप खेती करते हैं तो किसी को दुख होता है, तकलीफ होता है, ऐसा तो है नहीं। नौकरी करते हैं तो दुख है, तकलीफ है, ऐसा तो है नहीं। व्यापार करते हैं तो भी सेवा ही है। खेती हो, नौकरी हो, व्यापार हो, जीवन निर्वाह के अन्य जो धंधे हैं वो सब सेवा है, उससे अपना जीवन निर्वाह होता है और लोगों की सेवा होती है। हाँ, लेकिन खेती कर रहे हैं, अब खेती करने में अपना खेत सूख रहा है तो दूसरे का खेत का पानी अपने खेत में ले आए तो ये गलत हो गया, ऐसा ना करें। खेती करते करते अपने खेत में फसल काटने गए हैं, फसल काट रहे हैं तो दूसरे खेत के चार बोझा काटकर अपने खेत में ले आए, ये गलत है, इससे तकलीफ होगी। आप खेती करते हैं तो तकलीफ नहीं होगी किसी को, लेकिन दूसरे के खेत की फसल चुरा कर ले आए तो उससे तकलीफ होगी, ऐसा ना कर। नौकरी कर रहे हो, नौकरी सेवा है, जो ग्राहक आते हैं उनका काम करो तो उससे आपका जीवन निर्वाह तो होगा और दूसरे की सेवा होगी। लेकिन आप नौकरी कर रहे हैं, आपके पास कोई काम करवाने आया तो चाहते हैं कि आप उसे चाहते हैं भाई कुछ पूजा चढ़ाओ, तो तकलीफ होगी। समझ गए पूजा आजकल क्या है? बिना घुस लिए काम नहीं करना, एक मजाक है, चुटकुला। एक देहाती आदमी एक दफ्तर में गया अपना कोई काम करवाने के लिए। एक बाबू के पास उसका कागज पहुंचा, कि ठीक है दो दिन बाद आओ तुम्हारा काम हो जाएगा। दो दिन बाद गए, अभी तो नहीं है, तुझसे ऐसा यह है, वो कागज निकाला भाई अभी तो नहीं है, ऐसा है वैसा है, एक सप्ताह बाद आ जाओ काम हो जाएगा। एक सप्ताह बाद गया, ठीक है बाबूजी आप एक सप्ताह बुला थे, कागज निकालिए। कागज निकाला
गर्मी के दिन पंखा चल रहा था, कागज तो रखा रहा, वो भी कहा देख बाबू जी कागज मेरा है, तो पंखा चल रहा था कागज उड़ रहा था। बाबू ने संकेत में कहा अरे भैया अब ये कागज तो उड़ रहा है, कुछ रखो इस पर ताकि उड़ने ना पाए, काम ज्यादा हो जाए। और वो संकेत था, वो समझ नहीं पाया बेचारा कि क्या रखना है, यहां वहां ताका को दिखाई नहीं पड़ा, निकालो जूता रख दिया टेबल पर। अच्छा बाबू जी आप भी जाए तो आपका काम हो जाएगा, तो आप लोग भी कभी ऐसा करके देखिएगा काम बनता है ना बनता है, ये तो चुटकुला है। तो आप नौकरी करते हो सेवा करो, घुट लेते हैं आप काम को टालते हैं तो ये तकलीफ हो रही है। और दुर्भाग्य तो यह दो दो घंटा तीन तीन घंटा पूजा करने वाले लोग बराबर राम 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 जब जपते रहते हैं, ऐसे लोग मंदिर में बिना घुस लिए काम, मंदिर में तो पूजा कर लिए, कार्यालय में बिना घुस लिए काम नहीं करते। मंदिर में बैठा हुआ भगवान जो खाता नहीं है उसको खिलाने का ढोंग किया जाता है, और दफ्तर और दुकान में आने वाला भगवान जो खाता पीता जिस सुख दुख का अनुभव होता है उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। मंदिर में तो किसी महापुरुष की मूर्ति बैठी हुई है, प्रतीक है ये, उस प्रतीक को देखते हैं, उस मूर्ति या चित्र को देखते हैं, उस महापुरुष की याद आती है, उनके जीवन के आदर्शों की याद आती है, उनके उच्च कर्मों त्याग तप उच्च गुणों की याद आती है, और प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अपने जीवन को वैसे बनाना चाहिए। इस महत्व को भूल गए, अब चित्र और मूर्ति की पूजा कर लिए, भोग भी लगा दिए, बड़े विनय वंदना भी कर लिए, और जब घंटा दो घंटा पूजा कर लिए तब मंदिर का दरवाजा बंद कर दिए और कह दिए भगवान आपको खिला दिया पिला दिया, अब आप यहां आराम करो, हाँ मेरे दफ्तर में मत आना, वहां कुछ और करना पड़ेगा। भगवान को वहीं बंद कर दिया, भगवान बेचारा कैसे जाएगा वो दफ्तर में, दफ्तर में आते हैं वो भगवान नहीं है, उनमें भगवान दिखाई नहीं पड़ता। हमारा भगवान या तो पत्थर की मूर्तियों में कागज के चित्रों में है या शून्य आकाश में है, आदमियों में हमारा भगवान नहीं है। इसलिए पत्थर कागज और शून्य के भगवान की पूजा और इंसान के साथ दुर्व्यवहार, उनके साथ शोषण, ये पूजा काम नहीं आएगा। हमें अपने भगवान को मंदिर मस्जिद से निकालकर आकाश से उतारकर धरती पर लाना होगा, और धरती पर ला करके उनके साथ सच्ची पूजा करनी होगी। वो क्या है? सदव्यवहार। किसी को जानबूझ करके तकलीफ मत दो, सेवा करो, बस सेवा छूट गई शोषण शुरू हो गया। हमारे देश के तीन प्रमुख दोष, जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से बड़ी तरक्की हुई है, ऐसे नहीं तरक्की नहीं हुई है, हर क्षेत्र में तरक्की हुई है, लेकिन यदि तीन दोष हमारे देश से निकल गए होते तो आज हम कहां के कहां पहुंच गए होते। काम चोरी, मुफ्त खोरी, घूस खोरी, ये तीन प्रबल दोष। काम चोरी, जो जहां है मजदूर हो बाबू हो दब हो अफसर हो, समय से काम नहीं करना चाहते, पूरा काम नहीं करना चाहते, और सरकारी कार्यालयों में तो और, वही आदमी प्राइवेट फैक्ट्री में प्राइवेट में काम करता है तो बहुत ईमानदारी से बहुत मेहनत से काम करता समर्पित होकर, और सरकारी नौकरी लग गई तब हिला हवाला। कितने दफ्तरों में तो समय है 9 बजे समय दफ्तर खुलने का, पहुंच रहे हैं 10 बजे 10:30 बजे 11:11 बजे, शाम को जाने का समय है 5 बजे 6 बजे,
चार बजे से गायब। दफ्तर बैठे भी हैं तो गप मार रहे हैं, पान खाकर जगह जगह थूक रहे हैं, ये काम चोरी है। सरकारी दफ्तरों में जो बाबुओं की हालत है, अब तो बहुत जाने का अवसर नहीं मिलता लेकिन आप लोग जानते होंगे, तो आज बाबुओं की और जो अन्य लोगों की हालत है उस पर व्यंग करते हुए किसी ने कहा था, आजकल सरकारी दफ्तर के हाल क्या हाल है, 12 बजे तक लेट नहीं। यदि आप दफ्तर में बाबू या अफसर या कोई 12 बजे तक आ रहा तो लेट नहीं हुआ है अभी तक, समय के भीतर ही है। 12 बजे तक लेट नहीं, 3 के बाद भेंट नहीं। और भगवान के बड़े भगत हैं, ये भक्ति काम नहीं करेगी। समय से दफ्तर जाएं और पूरा समर्पित होकर के समय तक काम करें। ऐसा काम करके तो देखें आपके मन में कितनी प्रसन्नता होती, कितना संतोष होगा। क्यों तनाव में जी रहा है आदमी? पूजा तो कर रहा है, पाठ तो कर रहा है, अन्य धार्मिक कर्म काम तो कर रहा है, पैसा तो बढ़ रहा है, लेकिन क्यों तनाव में जी रहा है आदमी? क्यों चिंता में घुला जा रहा है? कारण क्या है? जो करना चाहिए था वास्तविक धर्म वास्तविक पूजा वो नहीं किया जा रहा है, तो काम चोरी। पहली बात यह, आप जहां हैं जैसे आपकी ड्यूटी है जैसी आपकी योग्यता है समर्पित होकर के काम करो। एक काम चोरी हमारे देश की बड़ी समस्या, मुफ्त खोरी, मुफ्त में लेने की चेष्टा। गया बिजली का वायर, लगा लिए काटिया बिल, घटिया बिल नहीं देना है। कितना कहते हैं, अरे हम सरकार के आदमी, सरकार की बिजली क्या जरूरत है पैसा बताने की? ये मुक्त खोरी है और घुसखोरी, इसको तो कहना ही क्या। लगता है भारत के रग रग में समा गया है। बाबा रामदेव और अन्ना हजारे बहुत कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी सहयोग करें अच्छा है, लेकिन ये शहर दूर होने वाला नहीं है। रग रग में जो समा जाता है ना, बहुत मुश्किल होता है। इस पर किसी ने बड़े बड़े बैंक के भारत में घुसखोरी की हालत क्या है, एक चुटकुला मैंने पढ़ा था कुछ दिन पहले। कहते हैं कि अमेरिका, रूस और भारत, ये तीनों के देशों के प्रधानमंत्री परमात्मा के दरबार में पहुंचे। परमात्मा ने स्वागत किया, बैठाया, फिर पूछा, भाई कहो तुम लोगों को कि कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो तो बताओ। तो अमेरिका के प्रधानमंत्री ने पूछा, भगवान मेरे देश में घुसखोरी बहुत ज्यादा तो नहीं, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ है, आप ये बताएं कि मेरे देश से भ्रष्टाचार घुसखोरी कब दूर होगा। भगवान ने गिनती की पुस्तक निकाल करके और कहा, यदि तुम कड़ाई से शासन करते रहे, ठीक से व्यवस्था चलाते रहे, तो 15-20 साल के अंदर तुम्हारे देश से भ्रष्टाचार ये घुसखोरी समस्या दूर हो जाएगी। रूस के प्रधानमंत्री ने पूछा, अब भगवान मेरे देश रूस से भ्रष्टाचार घुसखोरी समस्या कब दूर होगी। फिर गिनती की परमात्मा ने और कहा कि तुम यदि शासन व्यवस्था ठीक से करते रहे, कड़ाई से शासन किए, तो 25-30 साल में तुम्हारे देश रूस से भी भ्रष्टाचार घुसखोरी समस्या समाप्त हो जाएगी। तब भारत के प्रधानमंत्री ने पूछा, और भगवान मेरे देश से भ्रष्टाचार घुसखोरी समस्या कब दूर होगी। तो भगवान ने गणना की, परमात्मा ने गणना की, और गणना करने के बाद परमात्मा रोने लगे। तो भारत प्रधानमंत्री पूछा, भगवान बात क्या है? तो परमात्मा ने कहा, जिस दिन भारत से भ्रष्टाचार दूर होगा वह दिन देखने के लिए मैं जीवित ही रहूंगा। तो घुस ना लो किसी से यदि आप सरकारी या कहीं काम कर रहे हैं, तो ये तीन दोष, काम चोरी, मुक्त खोरी और घुसखोरी, यदि तीनों मिट जाए तो कुछ वर्षों में ही सचमुच में भारत बहुत विकास कर रहा है, आज विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा। बात मैं ये कह रहा था कि जो काम आप करते हो पूरी निर्भयता से करो, लेकिन अंत में होने वाली जो दशा है, संसार पे जाना है, उसका भी ख्याल करो। यदि आदमी
अपनी मौत की ख्याल याद कर ले कि अचानक मेरी मौत हो सकती है, कभी भी आ सकती है। मौत की याद दिमाग में बनी हुई है तो आप पाप नहीं कर पाओगे। मौत को भुला करके ही आदमी पाप करता है। जिस पैसे के लिए पाप कर रहा हूं, जिस परिवार के लिए पाप कर रहा हूं, अभी मेरा शरीर छूटेगा, सब छूट जाएगा, तो पाप क्यों करूं? ये बताओ, कोई हम लोगों को ये पक्के तौर पर विश्वास दिला दे कि अगले गुरुवार तक, अगले गुरुवार को तुम्हारी मौत हो जाएगी। अगला गुरुवार, अभी 7 दिन का समय है, और हम ये बात हमारे दिमाग में बैठ जाएगी कि अगले गुरुवार को मेरी मौत होनी है, तो क्या हम और आप किसी से लड़ाई झगड़ा करेंगे, पाप का काम करेंगे, किसी को दुख देंगे? फिर तो जीवन बदल जाएगा। किसी लड़े भिड़े होंगे ना, तो जाकर क्षमा मांग लेंगे, भैया मैं तो दुनिया जा रहा हूं, क्षमा करना, भूल हो गई। दृष्टि ही बदल जाएगी। इसलिए संत महात्मा कहते हैं मौत की याद करो। मौत की याद करना आदमी को निकम्मा बनाना नहीं है। जो मौत की याद करेगा उसका सारा का सारा व्यवहार सुंदर सोचेगा। जब थोड़े दिन जीना ही है तो ऐसा काम करके क्यों ना जाऊं जिससे मुझे भी संतोष मिले और दूसरों को सुख मिले, सुविधा मिले, सेवा मिले। सतगुरु कहते हैं मरु मरु तो क्या करे, हाय मैं मर जाऊंगा, हाय मैं मर जाऊंगा, मरने के बाद क्या होगा, ऐसा चिंता क्यों करता हूं? मेरी मरे बला है, मेरी तो बला मिट गई, मन का मोह मिट गया, आसक्ति मिट गई, तृष्णा मिट गई, कामना मिट गई, अब मरने का भय भी समाप्त। क्यों मरने का भय होता है? क्योंकि मन में तमाम कामनाएं, देखने सुनने खाने पीने भोगने की, कुछ पाने की, कुछ बनने की, तमाम प्रलोभन, अहंकार, अपने आप को प्राणी पदार्थों से जोड़ जोड़ करके ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मैं ऐसा, मैं वैसा। जितना ज्यादा अहंकार होगा, जितना ज्यादा देखने सुनने खाने पीने भोगने की तृष्णा और वासना होगी, मृत्यु उतना दुखदायी जान पड़ेगी। और कामना नहीं, सहज जीवन निर्वाह हो रहा है, जो काम करना चाहिए वो काम कर रहे हैं, अहंकार है नहीं, किसी तपने को जोड़े ही नहीं है। मौत का स्वागत सब समय, मौत से डरे ना, डरना है तो कुकर्मों से डरे। मरो मरो तो क्या करे मेरी मरे बला, सदगुरु कहते मर जाऊंगा क्या कर रहा है, मेरी तो बला मर गई, आसक्ति मिट गई, कामना मिट गई, अहंकार मिट गया, तृष्णा मिट गई, बस सारी बला समाप्त। जीते जी मुक्ति, जीते जी मुक्ति का अर्थ क्या है? मन में पूरा संतोष, पूर्ण तृप्त, पूर्ण आनंद अनुभूति, शिकायत मिट जाना, कमी को न देखे, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, जो नहीं मिला उसको देखते रहेंगे तो मन शिकायतों में उलझा रहेगा। जो मिला है उसका आनंद लें, मेहनत करें, मेहनत से कभी ना घबराएं, मेहनत करें। अब मिल जाना, कमी को न देखे, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, जो नहीं मिला उसको देखते रहेंगे तो मन शिकायतों में उलझा रहेगा। जो मिला है उसका आनंद लें, मेहनत करें, मेहनत से कभी ना घबराएं, मेहनत करें। और मेहनत से जो मिले समझे कि बहुत मिल गई है, आवश्यकता से ज्यादा, उसमें पूरा संतोष, दुख कहां रह जाएगा? आदमी मेहनत कम करता है और जो नहीं और जो मिलता है उसमें असंतोष करता है। असंतोष ही आदमी के दुख का सबसे बड़ा कारण है, और कोई कारण नहीं है। कहा जा सकता है हम संतोष कर लेंगे तो विकास रुक जाएगा, असंतोष से विकास होता है, असंतोष से विकास नहीं होता, असंतोष से जी जलता है। विकास मेहनत से होता है, पुरुषार्थ से होता है, कर्तव्य कर्म करने से होता है। सबके सब तो असंतोष है, सबके मन में तो असंतोष है, असंतुष्ट है, कितना विकास कर लिया। और विकास का अर्थ क्या है?
कोई सीमा है या नहीं है। बच्चा पैदा होता है एक डेढ़ फीट का शरीर, विकास करते करते दो फीट हुआ, तीन फीट हुआ, चार फीट हुआ, पांच फीट हुआ, साढ़े पांच हुआ, छह हो गया, साढ़े छह हो गया। अब विकास करते करते आठ फीट, दस फीट, बारह बारह फीट, पंद्रह फीट फीट हो जाएगा क्या? विकास होगा और फिर धीरे धीरे शरीर का गलना शुरू हो जाएगा। सर्वथा विकास ही नहीं, परिवर्तन चल रहा है दुनिया में। मेहनत करो और जो मिले उसमें तृप्त, असंतोष ना रखे मन में। असंतोष तो केवल जी को जलाएगा, बिना संतोष के तृप्ति किसी को जीवन में नहीं होगी। दूसरे के पास क्या है इसको ना देखें, अपने पास क्या है उसको देखें और उसका आनंद लें, उसका उपभोग करें। दूसरे के पास जो चीजें हैं, अपने पास ऐसी योग्यता होगी वो चीजें आ जाएंगी। योग्यता नहीं है, आवश्यकता नहीं है, तो क्यों उसको दे दे करके मन को खराब कर रहे हैं? आजकल तो होड़ लगी हुई है, मेरे पड़ोसी के पास अमुक चीज है तो मेरे पास होना चाहिए, मेरे मित्र के पास अमुक चीज है तो मेरे पास वो होनी चाहिए। आवश्यकता ना तो होनी चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड बढ़ाना है। स्टेटस सिंबल आज लोगों के चक्कर में पड़ गए हैं। नहीं, ये नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मत बढ़ाइए, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को बढ़ाइए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीने का स्तर तो ऊंचा होता चला जा रहा है और जीवन के स्तर गिरता चला जा रहा है, क्या फायदा इससे? बाहर चीजें तो खूब बड़ी खूब बड़ी खूब बड़ी सबके पास, लेकिन मन कितने लोगों का तृप्त है, कितने लोगों का मन निर्भय है, निश्चिंत है, सुखी है? जीवन को देखें, बारी चीज को नहीं रखें। मेरे पड़ोसी के पास ऐसी चीज है, मेरे पास होनी चाहिए। मेरे मित्र पास ऐसी चीज है, मेरे पास होना चाहिए। देख देख करके हो रहा है। कभी मन में ऐसा हुआ? बाहर चीज को देखकर तो स्पर्धा है, महत्वाकांक्षा बढ़ रही है। कभी ऐसा हुआ किसी के मन में, हमारे मन में, आपके मन में? देखो मेरा मित्र कितना सहनशील है, कितना संतोषी है, कितना सेवा परायण है। सहनशीलता, संतोष और सेवा परायणता में मैं अपने मित्र को पिछा करके रहूंगा, उसे मैं पीछे नहीं रहूंगा। हर स्थिति में प्रसन्न रहने में मैं अपने पड़ोसी से आगे बढ़ करके रहूंगा। सद्गुणों के क्षेत्र में अपने को सोचे, कोई कैसा भी कहे मैं, मुझे पूरा शांत रहना है, ऐसा सोचकर तो देखें। लेकिन इसको समझते हैं ये तो बेकार की बात है, साधुओं की बात है। साधु की बात नहीं है, आदमी की बात है। बाहरी महत्वाकांक्षा होगी भौतिक स्थितियों के लिए, इस पर्धा बढ़ेगी, छत छत में बढ़ेगा, धोखाधड़ी बढ़ेगी। क्यों आज हो रहा है सब? आंतरिक जीवन के लिए, सद्गुणों के विकास के लिए, जीवन के विकास के लिए लिए यहां कोई स्पर्धा ही नहीं है, कोई भागदौड़ नहीं है। और यही आकर के संतोष मिलेगा। सदगुरु कहते हैं, मरु मरु तो क्या करे, मेरी मरे बला, मेरी तो बला मर गई। इच्छा कामना तृष्णा समाप्त, अहंकार समाप्त। अब मरना था तो मर गए, अब को मर नहीं जाए। जिस अहंकार को मरना था वो समाप्त, तृष्णा को मरना था वो समाप्त। अब मेरी मौत नहीं होगी, मैं अमर हो गया। अहंकार ही मौत है, तृष्णा ही मौत है। अहंकार का विसर्जन, मौत पर विजय प्राप्त है। अहंकार को छोड़ तो दें, तृष्णा को छोड़ दें, कामनाओं को छोड़ दें, असंतोष को छोड़ दें, आप मृत्युंजय बन जाएंगे। कोई आदमी बीमार पड़ता है तो लोग, परिवार वाले या अन्य लोग, सगे संबंधी मृत्युंजय महामंत्र का पाठ कराते हैं, किसकी मौत ना होने पाए। अरे कितना मृत्युंजय महामंत्र का पाठ करा लो, एक दिन मौत तो आएगी ही आएगी, कौन बचा है? इतना नहीं, जिन्होंने मृत्युंजय महामंत्र लिखा है वो भी मर कर चला गया दुनिया से, और की क्या बात है? आप मृत्युंजय मंत्र, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? अपने आत्मा को जानकर, स्वयं को जानकर, बाहर की सारी तृष्णा, सारा अहंकार का त्याग कर दो, मृत्युंजय हो गए।
मृत्यु पर, मृत्यु के सिर पर पैर रख करके आप पार कर सकते हैं। जीते जी मृत्यु से पार, उसके लिए हमें गुरुजन रास्ता बता रहे हैं। हम न चले तो क्या हो सकता है। साहब कहते हैं मरिए तो मरी जाइए, छूटी परे जंजार, ऐसा मरना क्यों मरे दिन में 100 बार। मरना एक बार में मर जाओ, और मरना क्या है, फांसी लगाना नहीं, जहर खा लेना नहीं, ट्रेन से कटना नहीं, वह मरना है पूरी तरह से अपने को सबसे पीछे और छोटा बना लेना। घर में आप गए, मान लो घर में आप गए, किसी कारण से आपकी पत्नी उलझी हुई गर्म है, और जैसे आप घर में घुसे आप पर बर्फ पड़ी, नहीं कहना चाहिए ऐसी जलीकटी बातें कहने लगी, आप मर जाएं, चुपचाप सहन कर लें, शांत हो जाएं, बोले ना कुदे शांत रहे, बोले भी तो प्रेम से हंस करके बोले। गुरुदेव ने कहा ऐसा होता रहा है पत्नी आपकी खूब गर्म गर्म बोल रही है, गाली दे रही है, तो आप शांत रहें, अब गाली देते देते वो थक जाए तो हाथ जोड़कर कहो देवी देवी थोड़ी गाली और दे दो, फिर देखो क्या होता है जीवन में, मर तो जाओ। ऐसे ऐसे कोई पति है वो गरम गरम बोल रहा है, खूब गुस्से में है, पत्नी शांत रहे, कुछ ना बोले, मर जाए। ये मरना क्या, अहंकार को मारना, मन को मारना। पति गरम गरम बोल रहा है, झगड़ा खूब कटु कर रहा है, पत्नी शांत। अब कटु कहते कहते पति जब थक जाए तो देवियों चाहे हाथ जोड़ कहे देवता ये थोड़ी गाली और दे दो, फिर देखो जीवन में घर में स्वर्ग आ जाएगा। यही है मरना, जीते जी मरना, अपने आप को पूरी तरह से सबसे छोटा और विनम्र बना लेना। ऐसा करके हम लोग देखने पर आचरण नहीं कर पाते, इसीलिए दुखी बने हुए हैं, इसीलिए भोग रहे हैं नरक का दुख। इस नरक से दुख से बचना है तो अपने अहंकार को मारना पड़ेगा। अब तो ऐसा हो रहो पांव तले की दूब, दूब कितना रगड़ो बस फिर हरी भरी हो जाती है। ऐसे सारी सबकी चोट सहन करो, मन को मारे बस, और सबसे प्रेम सेवा का व्यवहार, जीते जी जीवन मुक्ति का लाभ, मृत्युंजय आप हो सकते हैं। इसी के लिए संगठनों का रास्ता है। अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं।